प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। अपन लोग काफी समय से पहला यूहन्ना नामक जो पत्री है उसका अध्ययन कर रहे थे। पत्री इसलिए कहा जाता है कि ये एक बहुत लंबा पत्र है, और जब पत्र बहुत लंबा हो जाता है तो उसे हिंदी में पत्रिका भी कहा जाता है, पत्री भी कहा जाता है। अपन लोग पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। आज पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय जरा खोल लें। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय के 18वें पद में, पहला यूहन्ना 2:18, हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत हैं, बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही से थे, पर हम में के नहीं थे, क्योंकि यदि वे हम में ही के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे हम में के नहीं हैं। ये पत्री प्रभु यीशु के महान शिष्य यूहन्ना ने इस पत्री की रचना की थी। यूहन्ना ने कुल 4 पुस्तकों की रचना की है। एक यूहन्ना द्वारा लिखा सुसमाचार या शुभ संदेश, और बाकी है पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना नामक पत्री। ये सब कुछ उन्होंने पहली शताब्दी में लिखा था। प्रभु यीशु के जन्म से ये शताब्दी आरंभ होती है। अपन कहते हैं ना कि सन 2024। सन का क्या मतलब है? प्रभु यीशु जिस साल पैदा हुए थे, तब से जो कैलेंडर चलाया जाता है उसको सन या ईस्वी दोनों बोलते हैं। पहली शताब्दी प्रभु यीशु के जन्म से लेकर ईस्वी 100 तक, इसमें 33 ईस्वी में पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। 33 ईस्वी में प्रभु यीशु को धोखे से पकड़कर सूली पर चढ़ाया गया, और चढ़ाए जाने के बाद उनको दफना दिया गया। तीसरे दिन प्रभु पुनर्जीवित हो गए। 40 दिन उन्होंने लोगों को दर्शन दिया, बहुत सारी शिक्षाएं दी। उसके बाद उनकी आंखों के सामने ऊपर उठा लिए गए 33 ईस्वी में। उसके बाद पहली शताब्दी में कुल मिलाकर बचते हैं 67 साल, 67 ईयर्स। ये जो 67 साल हैं उस शताब्दी के हैं जिसमें प्रभु यीशु संसार में पधारे थे। इसलिए प्रभु यीशु की याद एकदम ताजी याद थी। जैसे हम भारतीयों को महात्मा गांधी के बारे में ताजी याद है, मुझे जितने, मैंने नहीं देखा महात्मा गांधी को, मेरे जन्म से
6 साल पहले गुजर गए, लेकिन मेरी पैदाइश के समय से उनके बारे में इतनी बातचीत होती है, उनके इतने चित्र दिखते हैं कि मेरे लिए वो एक जीवित व्यक्ति के समान थे। जिस शताब्दी में एक व्यक्ति होता है उस शताब्दी में सामान्यतः उसकी याद बड़ी रहती है। पहली शताब्दी में प्रभु यीशु की याद बिल्कुल ताजा ताजा याद होते हुए भी ताज्जुब की बात यह है कि विश्वासियों के बीच में ही तमाम तरह के विश्वास का विरोध करने वाले उठ खड़े हुए। ये पद जो हमने अभी पढ़े हैं ये ऐसे लोगों के बारे में बोलता है, जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। पहली शताब्दी में प्रभु यीशु जिस शताब्दी में संसार में थे, यदि उस पहली शताब्दी में ही प्रभु यीशु का विरोध करने वाले उठ खड़े थे तो उसके 2000 साल बाद आज क्या स्थिति होगी, सभी भाई बहन इस बात को सोच लें। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे वैसे वो आत्मिक बातों की उपेक्षा करता है। पहली शताब्दी में ही लोग यदि प्रभु यीशु की शिक्षाओं की उपेक्षा करने लगे थे तो उससे 2000 साल बाद आज क्या स्थिति होगी। उसके साथ साथ जोड़कर एक बात और मैं बताना चाहता हूं, यदि पहली शताब्दी में ही प्रभु यीशु का विरोध करने वाले मसीह विरोधी लोग यदि खड़े हो गए थे तो 2000 साल बाद स्थिति तो और खराब होगी। तीसरी बात, प्रभु यीशु का विरोध करने वाले ये लोग मसीही मंडली में मसीहियों के बीच में ही से ही उठ खड़े हुए थे, ऐसा यहां लिखा है। ये 19वें पद में हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2:19, वे निकले तो हम ही में से थे लेकिन हम में के नहीं थे। मतलब मसीही मंडली में मसीही नाम के साथ ये लोग उठ खड़े हुए लेकिन ये लोग मसीही नहीं थे। आज उसके 2000 साल बाद जैसा मैंने कहा स्थिति और कठिन हो गई है, विश्वास का त्याग और अधिक हो गया है। आज इस तरह के कई सारे लोग हैं जो शैतानी शक्तियों की मदद से काम करते हैं और दावा करते हैं कि ये परमेश्वर की शक्ति है। बहुत लोग हैं आज सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में भी इस तरह के बहुत 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 सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि हम प्रभु यीशु की शक्ति के द्वारा अद्भुत कार्य करते हैं, लेकिन वास्तव में यदि उसको ध्यान से देखें, उनके करने का जो तौर तरीका है उसको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये लोग शैतानी शक्ति की मदद से ये अद्भुत कार्य कर रहे हैं लेकिन दावा करते हैं कि ये प्रभु यीशु की शक्ति के द्वारा कर रहे हैं। ये है मसीह विरोधी की आत्मा, प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, शैतान का काम करते हैं। मसीही विश्वासियों को इन मामलों में बहुत अधिक सावधानी लेने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम सावधानी नहीं लेंगे तो बहुत आसानी से धोखा खा जाएंगे, बहुत ही आसानी से। इसके एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं, जब कोई भी बीमारी बहुत अधिक बढ़ जाती है और उस बीमारी के लिए दवा की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो तमाम कंपनियों की दवाएं जो मेडिकल शॉप वाले बेचते हैं वे नकली होती हैं।
सब मेडिकल शॉप वाले तो नहीं बेचते हैं, लेकिन बहुत सारे मेडिकल शॉप वाले जानकर नकली दवा बेचते हैं। क्यों? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। उसी तरह से कपड़ों के मामले में कहा जाए तो जिन कपड़ों की बहुत अधिक डिमांड होती है उनकी स्थिति यह है कि नकली ही नकली मिलता है, सिर्फ नकली मिलता है, असली देखने को भी नहीं मिलता है। आप सब ने केसर का नाम सुना है, कश्मीर से आता है। केसर खीर वगैरह में डाल दो तो गजब का स्मेल हो जाता है, लेकिन आज केसर के नाम पर बाजार में जो बिक रहा है इसमें ज़्यादातर जो है वो केसर नहीं है, बिल्कुल नकली होता है। अच्छा काजू 1200 से लेकर 2500 रुपया किलो बिकता है। आप यदि वो कैशू फेडरेशन वगैरह की दुकानों में चले जाएं, 1200 से 2500 के बीच में। लेकिन कभी आपने नोट किया है क्या कि एर्नाकुलम में आप जब बाजार से होकर निकलते हैं तो तमाम लोग काजू बेचते हैं, प्लास्टिक के बड़े 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 जो लिफाफे हैं उसमें बेचते हैं, कितने रुपए का? 400 रुपए किलो, 300 रुपए किलो। सवाल यह है कि वह काजू जिसको थोक में लोग प्रोड्यूस करते हैं वो लोग 1200 से कम में नहीं बेचते, तो ये 400 या 500 रुपए किलो में काजू कहां से आ गया? डुप्लीकेट। लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके पता लगा लिया है कि चावल का आटा, गेहूं का आटा, मक्के का आटा और इस तरह से कई चीज़ों के आटे को एक विशेष प्रोपोर्शन में मिलाकर सांचे में डाल के काजू का शेप बना के भून दो तो पता भी नहीं चलता है कि काजू है, काजू नहीं है। एसेंस और थोड़ा सा मिला दो, बिल्कुल ये जो 500 रुपए में काजू बिकते हैं एकदम से नकली डुप्लीकेट होता है, उसका काजू से या काजू के पेड़ से, पेड़ छोड़िए पत्ते से भी कुछ लेना देना नहीं होता है। हर युग में जहां ओरिजिनल होता है वहां डुप्लीकेट जरूर होता है। क्यों? इसलिए कि ओरिजिनल यदि 1200 का है तो डुप्लीकेट 400 में मिल जाता है, और हम में से कई को लगता है कि बाप रे 1200 रुपए की चीज़ मुझे 400 में मिल गई, मैंने दुकानदार को उल्लू बना दिया। दुकानदार ये सोचता है कि चलो एक और मूर्ख आज मेरे हाथ में फंसा। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। आत्मिक जीवन प्रभु यीशु पर विश्वास के द्वारा शाश्वत जीवन पाना आसान है। क्यों? इसलिए कि सारा कठिन कार्य प्रभु ने सूली पर कर दिया। कठिन कार्य प्रभु ने सूली पर कर दिया, इसलिए आज हम प्रभु के पास जाकर प्रभु से पाप की क्षमा मांगते हैं तो उसी क्षण प्रभु हमको पापों की क्षमा प्रदान कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि जो कुछ उसके लिए करना था वो प्रभु ने सूली पर कर दिया। लेकिन एक बार प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के बाद जो आत्मिक जीवन है वो आसान नहीं होता है, उसमें अलगाव का पालन करना पड़ता है। प्रभु का वचन हमको याद दिलाता है कि शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का जो घमंड है उससे अलगाव प्रैक्टिस करना जरूरी है। शरीर की अभिलाषा से अलग होना आसान काम नहीं है, आँखों की अभिलाषा से अलग होना आसान काम नहीं है, जीविका के घमंड से अलग होना आसान नहीं है। इस कारण इस तरह के नकली टीचर खड़े हो जाते हैं जो आपको यकीन दिलाते हैं शरीर की अभिलाषा,
वो तो जब तक शरीर है अभिलाषा रहेगी, तुम काहे को फिक्र करते हो। आंखों की अभिलाषा, जब तक आंखें रहेंगी तब तक आंखों की अभिलाषा रहेगी, इसमें कौन बड़ी बात। इस तरह से डायरेक्ट टीचिंग के द्वारा या इनडायरेक्ट टीचिंग के द्वारा ये लोग मसीही विश्वासियों का शोषण करते हैं। आपकी जो शरीर की अभिलाषा है वे लोग अपनी मिनिस्ट्री की ओर मोड़ देते हैं, आँखों की जो अभिलाषा है वो अपनी मिनिस्ट्री की ओर मोड़ देते हैं, जीविका का घमंड अपनी मिनिस्ट्री की ओर मोड़ देते हैं। और इस तरह से प्रभु यीशु पर हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो ध्यान प्रभु यीशु पर लगाने के बदले मनुष्यों की ओर लगाने के लिए वे लोग हमको प्रेरित करते हैं। इसलिए, और ये विश्वासी मसीही मंडली से निकले हुए लोग हैं, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि ये हम लोगों में से निकले थे। एक दो उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जो कि हमारे लिए आंख खोलने के लिए पर्याप्त है। अमेरिका में और उसके अलावा कोरिया में एक टीचर उठ खड़ा हुआ जिसने लोगों से कहा कि बस मसीही जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं, फलाने दिन आसमान में जो बादल होंगे उन बादलों के पीछे प्रभु यीशु होंगे, हम सब आओ प्रभु यीशु से मिलें। लगभग 330 लोगों ने, फिर से सुन लीजिए, पढ़े लिखे अच्छी नौकरी करने वाले 330 लोगों ने जिस दिन इस आदमी ने डेट फिक्स किया था उस दिन जहर पी के आत्महत्या कर ली। क्यों? उनके गुरुदेव ने कहा था कि शरीर को छोड़ जाएंगे, हमारी आत्मा उस बादल के पीछे जो प्रभु यीशु है उनसे मुलाकात करेंगे। मसीही लोग हैं, इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमारे बीच में से निकले। मुझे याद है 1980 की बात है, 1978 में अफ्रीका में एक बहुत ही प्रसिद्ध बाइबल टीचर जिसके 10,000 में शिष्य हैं या शिष्य थे, उसने एक दिन चर्च सर्विस के समय एक बड़ी टंकी में पोटेशियम साइनाइड का घोल बनाया, सामने रख दिया और सब लोगों से कहा कि आओ प्रभु तुम्हारा आह्वान करते हैं, प्रभु तुमको इनवाइट करते हैं, इसको पियो और प्रभु की उपस्थिति में जाओ। मुझे याद है एमएससी खत्म करने के बाद मैं केरल में विद्यार्थियों के बीच में सेवा कार्य कर रहा था, उस समय सब अखबारों में ये खबर थी, 950 के करीब लोगों ने पोटेशियम साइनाइड पी के वहाँ पर आत्महत्या की। क्यों? उनके टीचर ने कहा कि इसको पियो और प्रभु की उपस्थिति में जाओ। ये प्रभु का कार्य नहीं है, ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ। इस तरह के कितने कितने उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, कितने सारे उदाहरण। केरल में, तमिलनाडु में एक आदमी था जिसका नाम था लॉरी, उसने तो डेट फिक्स कर दिया था फलाने दिन प्रभु यीशु आने वाले हैं। उसके जो शिष्य थे तमिलनाडु में भी थे केरल में थे, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के सारा पैसा अपने गुरु को दे दिया। डेट आ गया, डेट निकल गया, प्रभु नहीं आए। लॉरी ने डिक्लेयर कर दिया कि प्रभु आए थे लेकिन प्रभु मेरे अंदर है, मतलब मेरे अंदर आए हैं। और उसके बाद वो जो मसीही आदमी है, मसीही विश्वास का त्याग कर दिया, जिस आदमी ने हजारों लोगों को गलत रास्ता दिखाया, भटका दिया, प्रॉपर्टी बिकवा दी, लोगों को
कंगाल कर दिया, लोगों को भिखारी बना दिया। वो सारा धन प्राप्त करने के बाद जब प्रभु नहीं आए तो उसने पहले तो घोषणा कर दी कि प्रभु मेरे अंदर आए हैं, बाद में वो मसीही विश्वास को त्याग कर एक गैर मसीही धर्म में चला गया। कौन था लॉरी? मसीही था, हमारे ही बीच में से निकला था। तो मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूं प्रिय भाई और बहनों, आप में से कई लोग शायद रेडियो सुनते होंगे, आप में से कई लोग शायद टीवी देखते होंगे, तमाम तरह के टीवी प्रोग्राम्स हैं जिसमें मसीह प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, आप में से कई लोग मोबाइल के द्वारा सुनते होंगे। ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु के नाम से तमाम सारे जो रेडियो प्रोग्राम हैं, तमाम सारे जो टीवी प्रोग्राम हैं, तमाम सारे मोबाइल पर जो आता है, ये प्रभु के नाम से है, लेकिन ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है और शैतान का संदेश सुनाते हैं। इसलिए जल्दबाजी में उनमें से किसी के पीछे चले नहीं जाना है, उनके शिष्य नहीं बन जाना है। हिंदुस्तान में अभी पिछले कुछ सालों से दक्षिण भारत में ऐसे टीचर्स की कमी है। मैं जब कॉलेज से निकला था तब दक्षिण भारत में इस तरह के कई टीचर्स थे जिन्होंने सैकड़ों करोड़ों रुपए लोगों को लूट कर बनाए। अब दक्षिण भारत में ऐसे लोग कम हो गए हैं, लेकिन इस समय राजस्थान और पंजाब इलाके में इस तरह के दर्जनों बाइबल टीचर्स हैं जो प्रभु यीशु के नाम पर कार्य करते हैं। लेकिन इवन हमारी जो गैर मसीही सरकार है या गैर मसीही सरकारी ऑफिसर, इवन उनको ये बात दिखाई दे रही है कि ये लोग फ्रॉड हैं। मसीहियों को तो लगना ही चाहिए कि ये फ्रॉड है, लेकिन इवन गैर मसीही लोगों को दिख रहा है कि ये लोग फ्रॉड हैं, ये लोग धोखेबाज हैं। इनमें एक एक बाइबल टीचर्स के 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 अनुयायी हैं, और जब ये लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं या कन्वेंशन करते हैं तो 50,000, 1,00,000, 2,00,000 लोग जुड़ते हैं और अपना सारा पैसा वहाँ पर उसके लिए लुटा के जाते हैं। वो आदमी ऐश्वर्य की और विलासिता का जीवन बिताता है आपके पैसे से, लेकिन आप वो मूर्ख हैं जो उस व्यक्ति की पूजा करते हैं या उसकी आराधना करते हैं और अपना पैसा लुटा रहे हैं। तो किसी जमाने में दक्षिण भारत में इस तरह के टीचर्स थे, आजकल उत्तर भारत में राजस्थान पंजाब आदि इलाके में इस तरह के टीचर्स की भरमार है, जो चर्च से निकले जो संदेश देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि मसीही संदेश दे रहे हैं, लेकिन जिनका प्रभु यीशु मसीह से किसी भी तरह का लेन देन नहीं है और जो आपको सत्य के मार्ग से असत्य के मार्ग में ले जा रहे हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? हम में से निकले, मतलब मसीही जगत से निकले, लेकिन हम में के नहीं थे। वे लोग ना तो प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी थे, ना ही प्रभु यीशु से उनका किसी तरह का संबंध था। आज आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जितने भाई बहन लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें कोई भी भाई या बहन रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, मोबाइल के द्वारा या और किसी माध्यम से इस तरह के झूठे शिक्षकों के पीछे भाग रहे हों, तो याद रखें
उनको कुछ नहीं बिगड़े, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। त्रिशूर एरिया के आसपास इसी तरह का एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है कुछ समय के पहले। वो लोग दावा करते हैं कि प्रभु यीशु उनके बीच में है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु आने वाले हैं। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु पहले तो मध्य आकाश में आएंगे, उसके बाद जैतून के पर्वत पर आएंगे। वे लोग क्लेम करते हैं कि प्रभु आ चुके हैं और उनके बीच में त्रिशूर में रहते हैं। हजारों मसीही लोग अपने जीवन बर्बाद करके अपनी रोजी रोटी की जो सामग्री है, प्रॉपर्टी बेच के उनको दे के उनकी गुलामी का जीवन बिता रहे हैं, और ये लोग अपने आप को प्रभु यीशु का के अनुयायी बोलते हैं, लेकिन ऐसी गुंडागर्दी करते हैं कि पिछले दिनों एक भाई ने उनके विरुद्ध बोला था, पकड़ के जम के उसकी पिटाई कर दी। केरल में आज़ादी कुछ ज़्यादा है इसलिए जम के पिटाई कर दी। उत्तर भारत में कहीं होता तो स्थिति अलग होती। प्रभु यीशु के नाम से वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब किसी ने बोल दिया कि नहीं ये प्रभु यीशु का नहीं है, तो बाकायदा पिटाई कर दी। क्यों इस तरह के लोग बढ़ रहे हैं? इस तरह के लोग इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारे बीच में से निकले हुए जो झूठे शिक्षक हैं, जो झूठे यीशु हैं, जो झूठे मसीह हैं, उनको पहचानने के बदले हम अपना पैसा देकर उनका पोषण कर रहे हैं, उनको बड़ा बना रहे हैं। इस तरह के जो टीचर्स दक्षिण भारत में निकले थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी हाँकी थी, प्रभु के ही लोगों से हजारों करोड़ों रुपए उन्होंने लूटे हैं। उनकी आज संपत्ति हजार करोड़ में जाती है। क्यों? इसलिए कि प्रभु का वचन कहता हम में से निकले लेकिन हम में नहीं थे, इसको पहचान नहीं पाए, इस कारण लोगों ने उनके ऊपर पैसा लुटाया। आज संध्या समय, ये पहली बात है जो मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं। मनुष्यों के पीछे ना भागें। प्रभु यीशु जो सृष्टा है, मनुष्य के सृष्टा है, मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए, प्रभु की जीवनी चार गॉस्पल्स में, ये शुभ संदेशों में डिटेल में हम पढ़ते हैं। उस प्रभु का अनुकरण करने के बदले मनुष्यों के पीछे ना भागे। दूसरी बात जो मैं याद दिलाना चाहता हूं वो 22वें पद में, 21 से पढ़ें। मैं तुम्हें इसलिए नहीं लिखता कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि तुम जानते हो, इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह के होने से इनकार करता है। तो पहली बात, मनुष्यों के पीछे भागकर अपना जीवन बर्बाद ना करें। दूसरी बात, ये मनुष्य क्या सिखाते हैं इसको जरा ध्यान से सुने। इनकी टीचिंग क्या है? आज से कुछ साल पहले तमिलनाडु में मनोहर नाम का एक शिक्षक था, पता नहीं आज वो कहाँ है, क्या कर रहा है। उसकी पत्रिका मैंने कई बार पढ़ी थी, उसमें वो बाकायदा कहता है कि घर के पीछे तालाब में जब वो स्नान करने के, ये मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, स्नान करने के लिए गया तो याद आया कि अरे नारियल का तेल तो लाना भूल गए। तो प्रभु यीशु वहाँ प्रकट हो गए, बोले कि मनोहर जी आप फिक्र ना करें, प्रभु जाकर वो तेल उठा के लाए और मनोहर की पीठ पे और सर पे लगाया। ये आदमी क्या कर रहा है? प्रभु यीशु को अपना गुलाम दास बता रहा है, प्रभु यीशु के इनकार कर रहा है। मनोहर का ये भी दावा था कि मध्य रात्रि में प्रभु स्वर्ग से उतरकर मनोहर से चर्चा करते थे कि किस तरह से ये दुनिया चलानी है। मतलब इस दुनिया का सृजनहार एक पापी मनुष्य से हर रात ये पूछने के लिए आता है कि भैया
मैं ये दुनिया कैसे चलाऊं, सृजनहार मैं तो नहीं जानता, पापी तुम बताओ कि ये दुनिया मैं कैसे चलाऊं। तो दो बातें आज प्रभु के वचन से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक, मनुष्य की शिक्षाओं के पीछे भागकर अपने जीवन को बर्बाद ना करें। दूसरी बात, उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनेंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि अपनी शिक्षा के द्वारा ये लोग प्रभु यीशु का इनकार कर रहे हैं। भाई मनोहर कहता है कि प्रभु जो है नौकर के समान आकर मेरे सर पे तेल लगाता है, रात को आकर मुझसे एडवाइस लेता है। ये क्या है? प्रभु यीशु को इनकार कर रहे हैं। संसार के सृष्टिकर्ता को, सृजनहार, पालनहार, तारणहार को किसी भी व्यक्ति के उपदेश की या एडवाइस की जरूरत नहीं है। इस तरह के लोगों की कोई कमी नहीं है, इस तरह के टीचर्स की कोई कमी नहीं है। आप उनकी टीचिंग्स को ध्यान से सुनेंगे तब यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि वे लोग प्रभु यीशु का इनकार कर रहे हैं। इन दो बातों को मैं आज आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। पहली बात यह कि प्रभु यीशु की पहली शताब्दी से इस तरह के लोग उठ खड़े हो रहे हैं जो प्रभु यीशु का इनकार करते हैं, जो अपने आप को प्रभु बताते हैं। ऐसे लोगों के पीछे मत भागें। ऐसे लोगों का रेडियो प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम और मोबाइल प्रोग्राम, इसको बिल्कुल पूरी तरह से जो है इसका बहिष्कार करें। दूसरी बात, अपने टीचिंग्स के द्वारा ये लोग प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं। यदि संसार के सृजनहार को एक पापी मनुष्य से हर रात एडवाइस लेना पड़ता है तो कौन बड़ा है, सृजनहार बड़ा है या पापी मनुष्य बड़ा है? तो वो पापी मनुष्य अपनी शिक्षाओं के द्वारा प्रभु यीशु का इनकार कर रहा है। मैंने ये जो दो बातें बताई इसके बहुत सारे वेरिएशंस, ये विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, लेकिन जो उसका जो सारांश है वो मैंने आपको बताया है। इस सारांश को समझने के साथ साथ या सारांश की मदद से यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो जो लोग इस तरह की टीचिंग्स देते हैं उनको आप पहचान सकेंगे। अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद ना करें, ये मेरा अनुरोध है। इस सभा को प्रार्थना के साथ हम क्लोज करेंगे। आप में से यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थना की जरूरत हो, एडवाइस की जरूरत हो, उद्धार के बारे में जानना हो तो मीटिंग के बाद आकर मुझसे मुलाकात करें। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।